इन लोगों को अंदर जाना। चल बेटा, अपने बच्चों से मिल ले। बेटा आंसू पहुँच ले, घर आने वाला है। गंगा सवाल पूछेगी तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। पूछ ले बेटा। अरे गंगा, 9 बज गए, तुझे स्कूल नहीं जाना। 9 बज गए? ओह नो, मैं अभी जाके तैयार होके आती हूँ। मैं जलती हूँ। अरे
तू कहाँ जा रही है बेटा? तेरी तो तबीयत ठीक नहीं है। नहीं मासी, वो अगर मैं टाइम पर नहीं गई तो वो लोग पैसे काट लेंगे, मैं जाती हूँ। अरे बेटा, लेकिन तबीयत खराब में कैसे जाएगी? ला मुझे नंबर दे, मैं फोन करती हूँ। अगर मैंने मासी को बता दिया कि मैं मिस्टर वालिया के लिए काम करती हूँ तो वो मुझे कभी काम नहीं करने देंगे। और फिर गंगा की पढ़ाई, गंगा कैसे पढ़ेगी? अरे क्या सोच रही है, मुझे नंबर दे ना, मैं बात करती हूँ। नहीं नहीं मासी प्लीज, मैंने कहा ना आप चिंता मत कीजिए, मैं चली जाती हूँ। अरे बुखार के मारे तप रही है और कह रही है कि तबीयत ठीक है, कर दे फोन कि नहीं आएगी आज। मासी आप चिंता मत कीजिए, मैं आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी। तेरी जिद के सामने तो मैं हार गई हूँ। अच्छा एक काम कर बेटा, उनसे कह दे कि तू जल्दी घर वापस आएगी, फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे। हाँ ठीक है, 7 बजे तक आ जाऊंगी मैं। तुम लोगों ने तो यहाँ बहुत अच्छी गृहस्थी लगा रखी है, वो भी बंबई जैसे शहर में, फुकट का घर, गाड़ी तो निकल पड़ी। ठाकुराइन आप यहाँ क्यों भाई? मैं यहाँ नहीं हो सकती, ठाकुर जी नहीं तो तुम लोगों को यहाँ पर भेजा है। तो सीधी सी बात है कि ये लोग हमारे कोई पहचान वाले तो होंगे ना। अरे ठकराइन तुम यहाँ? लो जी, अरे तुमने ही तो न्योता भेजा था कि हमारी लड़की की सगाई है, तुम आओ। अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो ये कह रही थी कि पहले बता देती तो तुम्हें लेने स्टेशन आ जाते। लेने आने जाने की कोई जरूरत नहीं थी, हम तो घूमते घामते बहुत आराम से आए, और वैसे भी अब तो हमारे पहचान वालों से मुलाकात हो गई तो और अच्छा लग रहा है। हमारे घर में किराएदार थे ना ये लोग। हाँ ठाकुर जी ने ही तो भेजा था इनको। अरे गंगा बेटिया, हम तो तुमको बहुत याद करते रहे। क्या सुंदर सुखी परिवार है, पर बहुत जल्दी ये परिवार बर्बाद हो जाएगा। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा चलो, सफर से थकी हारी आई हो, हाथ मुंह धो लो। हम हाथ पांव धोकर आते हैं, फिर मिलेंगे। ये लोग है ना, इनसे जरा बच के रहना, बहुत चालाक है। ये क्या कह रही हो? 5 साल हम ही लोगों के साथ तो रह रहे थे। मिथाली जो है ना, एक नंबर की चोरनी है, ये मेरे खुद के गहने छुड़ाए थे। ये ऐसे लोग नहीं है, मुझे इन पर पूरा विश्वास है। यही तो इन लोगों की चाल है, ये भले मन का नाटक करके सभी को धोखा देते हैं। और आज तुमने मेरी बात भूल गई है ना, लेकिन एक दिन तुम खुद ही समझ जाओगी। जल्दी ठीक करो कार को, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। क्या प्रॉब्लम हो गई जो इतना टाइम लग रहा है? मैं वही तो चेक कर रहा हूँ मैडम। आदित्य टाउन की मीटिंग आज तुम हैंडल करो और जिज्ञासा और करुणा को भी साथ ले जाओ। ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। क्या हुआ मेरा? कुछ नहीं, बस कार में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मुझे विद्या को स्कूल छोड़ना था, इसे लेट हो रहा है। अरे नहीं मीरा, लेट कैसे हो सकते हैं स्कूल में? तुम एक काम करो, तुम जय भैया के साथ उनकी गाड़ी में जाओ, वो ऑन द वे तुम्हें छोड़ देंगे। क्या सब, मुझे ऑफिस के लिए? जय भैया प्रॉब्लम क्या है, विद्या की स्कूल आपके ऑफिस से पहले आती है ना, ऑन द वे है। आप उन दोनों को छोड़ दीजिए ना, विद्या बेचारी लेट हो जाएगी स्कूल में। और फिर आप चलो बैठ।
रानो, सब लोग चले गए। चलो जल्दी चलो ना। रानो, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है ना? मेरा मतलब है, हम लोग बानी मामी को मिलने जा रहे हैं, वो ठीक है? ऑफ कोर्स राशि, आज इतने सालों बाद दीदी हमें वापस दिखी, हमें तो मिलना ही चाहिए। नहीं, मेरा मतलब है, बानी मामी हमारे ही होटल में काम करती हैं, और अगर मम्मी जी को ये बात पता चल गई कि हम वहाँ गए तो। जिज्ञासा और आदित्य शहर में गए मीटिंग के लिए, ये अच्छा वक्त है, हमें जाके बानी से मिल लेना चाहिए। चलो चलो जल्दी करो, देर मत करो। बेटा, ये तुम्हारी क्लास की कोई नई स्टूडेंट है? हाँ मम्मा, इसका करियर एडमिशन हुआ। कितनी क्यूट बच्ची है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? गंगा। हाउ स्वीट। बेटा, तुम्हारे मम्मी या डैडी तुम्हें छोड़ने नहीं है? नहीं, वो काम पे गई है ना। और तुम्हारे पापा? मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा। क्या मतलब, तुम अपने पापा के बारे में नहीं जानती? नहीं, मेरी मम्मी ने उनके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। एक दिन वो मुझसे मिलने जरूर आएंगे। जिज्ञासा, हम लोग तो आदित्य के साथ टाउन जाने वाले थे ना किसी मीटिंग के लिए, यहाँ होटल में क्यों आ गए? इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है, वहाँ मीटिंग में जाकर मैं कुछ नहीं कर पाती। वरना जब तक ये बानी होटल में है ना, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा, मैं और कुछ सोच नहीं सकती। मुझे किसी भी हालत में बानी को इस होटल से और जय भैया की जिंदगी से दूर करना है, इसीलिए मैं मीरा का इस्तेमाल कर रही हूँ। बताया था ना मैंने, ही रहोगे करो ना, या कुछ सोचोगी भी? सोचा है तो फिर बोलो। डिस्गस्टिंग करो ना। अच्छा ठीक है, कहाँ रखती? एनीवेज तुम मेरा आइडिया सुनो तो बको ना। ओके, मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। ओके, देखो आज हमारे होटल की 5th एनिवर्सरी है, और हमारे जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स हैं उन लोगों के लिए जय भैया ने पार्टी ऑर्गेनाइज की है। अब उस पार्टी में जय भैया ड्रिंक तो करेंगे ही, तो उनके ड्रिंक में हम कुछ चीज मिला देते हैं, जैसे नशे वाली कोई चीज, तो जय भैया को नशा हो जाएगा और मीरा और जय भैया को एक कमरे में बंद कर देंगे। एंड यू नो, ओके सॉरी, डराने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ और आइडिया सोचती हूँ, मुझे मालूम है गलत आइडिया है। नहीं, बहुत बढ़िया आइडिया है। रियली? आज पहली बार तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है। इसी तरह से यही नाश्ता रोज खाना तुम करो ना, बहुत सही आइडिया है। एक छोटा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोफेशनल पार्टी है, और जय भैया कभी भी किसी पार्टी में मीरा को साथ लेके नहीं आते। मैं जिंदा हूँ ना, मीरा को पार्टी में लाना मेरा काम। एक और एक प्रॉब्लम है। क्या? अब जय भैया के ड्रिंक में तो हम कुछ मिक्स कर देंगे, पर मीरा तो कुछ भी नहीं पीती, तो उसको तो कोई नशा नहीं होगा। अगर मीरा को नशा नहीं हुआ तो जय भैया और मीरा के बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। बेवकूफ हो तुम, मीरा को कुछ पिलाने की क्या जरूरत है? मीरा खुद इस मौके का इंतजार कर रही है कि जय भैया उसे प्यार करे, उसे गले लगाए। जय भैया बेहोश और मीरा होश में, मजा आएगा। यस मैम, आपने मुझे बुलाया? हाँ, हमारे यहाँ पर होटल में एक मैथिली नाम की वेट्रेस काम करती है, उसे जानते हैं आप? जी हाँ मैम, वो नई नई इस होटल में आई है, मगर बहुत अच्छी है। आपको दूसरी शादी करनी है? मैथिली को आप जानते हैं या नहीं, है ना? और आप जवाब क्या दे रहे हैं, नौकरी प्यारी है या वो लड़की? कुछ नहीं, मेरी नौकरी। अच्छा है, आप जल्दी समझ गए। अब आप काम सुनिए,
आपको उस मैथिली के साथ ऐसा बर्ताव करना है जैसा आप अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ करते हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अरे मैं समझाती हूँ। अब देखो जैसे कुछ लोग होते हैं इतने घटिया जिन्हें देखकर गाली देने का मन करता है, जिन्हें देखकर ना उन पर थूकने का मन भी नहीं करता है। करुणा ऐसे जैसे जैसे ऐसे इंसान के साथ आप ट्रीट करोगे ऐसे इंसान को वैसे ट्रीट करना है। उसे भी क्या देख रही हो, उसे समझा रही थी। तो आपको जो मैंने कहा है वैसा कीजिए। आपसे उस नई बच्ची गंगा के बारे में बात करनी। हाँ सही है कि मैडम उस बच्ची को उसके बाप के बारे में पता नहीं। और ऐसे बच्चों को हम हमारे बच्चों के साथ कैसे पढ़ने दे सकते हैं? हमारे बच्चों को हम तो यहाँ पढ़ा ही नहीं सकते। आप वेरी सॉरी। बिल्कुल सही बात है, सही बात है। हेलो मिस्टर वाली, मैसेल्फ मिस्टर कुमार। हम लोग आपकी कंपनी के साथ सालों से बिजनेस कर रहे हैं। आज आपको पहली बार यहाँ मिलकर बहुत खुशी हुई। जी सर, वो इस बच्चे को अपने बाप के बारे में नहीं पता और हम लोगों का मानना यह है कि लो क्लास की बच्ची को हम हमारे बच्चों के साथ कैसे पढ़ने दे सकते हैं, इससे बुरा असर पड़ सकता है हमारे बच्चों पर। यही सर, कितने सालों से मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी बिजनेस दे रही है? सर 8 सालों से। मिस्टर कुमार, आज पहली बार नहीं बल्कि आखिरी बार है कि तुम मुझसे मिल रहे हो। आज के बाद मेरी कंपनी तुम्हें कभी बिजनेस नहीं देगी। सर आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसे आप अचानक? वो इसीलिए क्योंकि तुमने इस बच्ची को रुलाया है। आई ट्रस्ट, इसे रुलाने के लिए तुम अब जिंदगी बहुत अफसोस करोगे। सॉरी बेटा, देखो इससे गलती हो गई। अब तुम्हें अपने बाप के बारे में कैसे पता हो सकता है? नहीं सॉरी सर, दरअसल गलती मेरी है। मैं बच्ची को कैसे पूछ सकता हूँ उसके बाप के बारे में? अरे हम लोगों में देखो, हम लोगों को किसी को अपने बाप के बारे में नहीं पता है ना। अब पता है तुम्हें? पता है अपने बाप के बारे में? You bet, of course मुझे पता है। लेकिन मुझे नहीं पता, मुझे अपने बाप के बारे में नहीं पता। देखो देखो मुझे पता है, देखो मेरे बाप कौन है मिस्टर वालिया। मिस्टर एंड मिसेस गोपाल। यस सर। आज से 4 साल पहले दुबई एयरपोर्ट में ड्यूटी ना भरने की वजह से 3 दिन की जेल हो गई। अरे सर रिमेंबर करेक्टली, ऐसा एक बार नहीं बल्कि कुछ 4 बार हो चुका है। मैं राइट? बस कीजिए सर, बस कीजिए। सर मैंने माना कि हमसे कुछ गलतियां हुई, लेकिन इस बच्ची का तो उसके आपका नाम तक पता नहीं है। और नहीं है तो क्या हुआ? हम सब इसके बच्चे के बाप है। देखो मुझसे भूल हो गई, मुझमें तो अकल ही है नहीं। मैंने तुम्हारे बाप के बारे में पूछ लिया है ना। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं जल्दी कर बेटा। बता तुम्हें खाने में क्या पसंद है, पर मैं तुम अगली टिफिन लेकर आऊंगी, ठीक है? देखो हमारे घर में भी ढेर सारे खिलौने हैं, आना हमारे घर में। क्या कर रहे हैं आप जी? सब लोगों को डरा धमका के आप गंगा से अच्छा बर्ताव करने के लिए कह रहे हैं? प्यार से लोगों को जीतना सिर्फ किताबों में लिखा होता है, डरा कर जीतना पड़ता है।
रहा है, ये सब मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए किया है। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हें तोड़ ना पाए, क्योंकि दुनिया में जब कोई टूटता है ना तो उसे जोड़ने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ता। बिना पता कहती है दूसरों का रुमाल लेने से लड़ाई हो जाती है। पापा देखो मम्मा रो रही है। अरे क्या हुआ कृष्णा, तुम पानी व्हाट हैपेंड, तुम रो क्यों रही हो? कृष्णा तुम भी डरा दिया मुझे। हाँ भी ना, इस शैतान की बात मान लिया आपने। पूछ लो, मैं चलता हूँ। मिस्टर वालिया, शेप, आप कर नहीं रख दो, अभी बहुत प्यास काटने हैं। नहीं, आपका रुमाल आप ही रखें। वो कहते हैं अगर किसी और का रुमाल अपने पास हो तो उन दो लोगों में झगड़ा हो जाता है। ये लीजिए। अंकल, आपका रुमाल